क्षेत्र के सेक्टर 7 में प्रशासन ने एक जिम पर छापा मारा, जहां मालिक ट्रेनर समेत 17 लोग वर्कआउट करते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत मामला दर्ज किया है। मास्क ना लगाने वालों के चालान भी काटे हैं। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कहीं बिना मास्क के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि फिर से लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। कोरोना को लेकर अब भी पूरी तरह से देश खुला नहीं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में लगता है कि लोगों को इन गाइडलाइंस की कोई परवाह नहीं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में जिम का शटर डाउन कर जमकर दंड पेले जा रहे थे। खबर प्रशासन के कानों तक पहुंची और जब प्रशासन ने यहां पर रेड मारी तो अंदर का नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। एक दो नहीं, पूरे 17 लोग इस जिम के अंदर वर्कआउट करते नजर आए। इसका ओनर कौन है? इसका भैया अंदर जमकर बॉडी बिल्डिंग तो चल रही थी, साथ ही लोगों ने ना तो यहाँ पर मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज यहाँ नजर आ रही थी। आनन फानन में पुलिस ने जिम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बिना मास्क लगाए हुए लोगों के भी चालान काटे। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना इस समय विकराल रूप धारण कर चुका है, लेकिन ये जो लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य और बॉडी बनाने के लिए कसरत कर रहे हैं, क्या उन्हें इतना समझ नहीं आता कि कोरोना जैसा अदृश्य वायरस बॉडी और स्वरूप देखकर वार नहीं करता, और अगर ये वार करता है तो एक नहीं कईयों को लेकर डूबता है। वहीं इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब ऐसे में इन लोगों को समझने की जरूरत है कि उनकी एक छोटी सी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है।